क्या आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में है और पीएनबी बैंक को एक्सेस करने के लिए आप पीएनबी वन ऐप का यूज़ करते हैं। अगर इस ऐप का यूज़ करते हैं और इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं या आपने 180 डेज तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है तो उस केस में आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इन दोनों केस में या किसी और भी रीज़न से अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आज हम जानेंगे कि हम उस पासवर्ड को रिसेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल ऐप में आना होगा जिसका नाम है PNB One। में आते ही आप देखेंगे यहाँ पर आप जैसे साइन इन करेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा 180 डेज से आप तक आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी इसलिए आप पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना है ट्रबल इन साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट योर पासवर्ड, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर आईडी पूछा जाएगा। कस्टमर आईडी आपके पासबुक पर होता है, आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। देन उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को वहाँ पे आपको फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल्स पूछेंगे एंड आपका अकाउंट नंबर डालना होगा आपको यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास अगर आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड या अपना नॉर्मल पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं दोनों के लिए ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए पॉलिसीज भी लिखी हुई हैं कि आपका जो भी पासवर्ड है मिनिमम 6 आपका वर्ड्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 28 का। कैरेक्टर्स जो भी है वो स्पेशल स्पेशल और नुमारिक होना चाहिए, की सेंसिटिव होना चाहिए और जो भी आप पासवर्ड रख रहे हैं वो पिछले 3 बार में यूज़ नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। एंड यहाँ पर मैंने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड दोनों ही चेंज कर लिया है। दोनों चेंज करने के बाद मैंने इसको सिंपली सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुली रिसेट एंड आपके मोबाइल नंबर पे भी एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका जो भी पासवर्ड है वो रिसेट किया गया है। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब भी इसको साइन इन करें अपना कस्टमर आईडी डालने के बाद आपका न्यू पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है वो पुट कीजिए एंड इसको सिंपली साइन इन कीजिए। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।